एक बार दो मित्रों में आपस में शर्त लगती है कि यदि हमें से एक मित्र एक महीने तक एकांत में बिना किसी से मिले, बिना बातचीत किए एक कमरे में बिता देता है तो उसे 10 लाख नकद दूसरा मित्र देगा। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो वो हार जाएगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 जून का भोजन और कुछ किताबें उसे दी गई। उसने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो एक दो दिन किताबों से मन बहल गया, फिर वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे एक घंटे युगों से लगने लगे। वो चीखता चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर से किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियां देता, मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी, पर वो शर्त को याद कर अपने को रोक लेता। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वो बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि एक महीने के दिन पर दिन बीत रहे हैं, पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। महीने के अब अंतिम 2 दिन शेष थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, वो दिवालिया हो गया। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो उसे कहाँ से देगा। वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसका दोस्त शर्त के एक माह के ठीक एक दिन पहले वहाँ से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इन एक महीनों में मैंने वो चीज पा ली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि जितनी जरूरतें हमारी कम होती जाती हैं, उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसीलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई जरूरत नहीं। इस कहानी से समझें कि लॉकडाउन के इस परीक्षा की घड़ी में खुद को झुंझलाहट, चिंता और भय में न डालें, उस परमात्मा की निकटता को महसूस करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न कीजिए। इसमें भी कोई अच्छाई होगी ये मानकर सब कुछ भगवान को समर्पण कर दें। विश्वास मानिए, अच्छा ही होगा। लॉकडाउन का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन के बाद जी तोड़ मेहनत करना है, स्वयं के लिए, परिवार और राष्ट्र के लिए, देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। धन्यवाद।